हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं पहुंच गई हूँ भुवनेश्वर का डीएन रेगालिया मॉल के सामने। तो डीएन रेगालिया मॉल, जिसको पता नहीं है, ये है कलिंग बिहार स्क्वायर ऑफ भुवनेश्वर, उसी के सामने ही आपको मिल जाएगा। एंड अभी ओवरब्रिज बन गया है, तो आपको नीचे के रास्ते से आना पड़ेगा डीएन रेगालिया जाने के लिए। अगर आप खंडागिरी की तरफ से आओगे तो ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, अगर खोरथा की तरफ से आओगे तो ये आपको राइट साइड में दिख जाएगा। तो वैसे तो कुछ प्लान नहीं था हमें डीएन रेगालिया जाने के लिए, लेकिन अचानक से प्लान बन गया। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँ एंड डीएन रेगालिया का फूड कोर्ट को आप सबके साथ एक्सप्लोर करूँ। तो चलिए चलते हैं, आज डीएन रेगालिया का फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये था इसका एंट्रेंस, और पूरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सामने आप फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत खूबसूरत सा जगह है यहाँ पे। तो जैसे कि ये एक मल्टीप्लेक्स है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आइनॉक्स भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और सारे शॉपिंग मॉल्स भी है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो यहाँ पे आके डीएन रेगालिया को चेकआउट कर सकते हो। तो ये है डीएन रेगालिया का फूड कोर्ट। स्टार्टिंग करते हैं केवेंटर से। स्टार्टिंग पे ही आपको केवेंटर मिलेगा, और उसके पास था केएफसी। केएफसी के बाद आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट के बाद था यहाँ पे वैंगो, जो एक डोसा का शॉप था, साउथ इंडियन स्टॉल। एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा वाओ चाइना। वाओ चाइना वाओ मोमो का ही एक पार्ट है। एंड जैसे ही इसका नाम है वाओ चाइना, तो यहाँ पर आपको सारे चाइनीज़ डिशेज़ मिल जाएंगे। तो वाओ चाइना के साइड में ही आपको दिखेगा ये वाओ मोमो का स्टॉल। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एशिया 7 सिजलिंग चाइनीज़। यहाँ पे बहुत अच्छा सिजलर्स मिलते हैं। उसके बाद स्ट्रीट फूड बाय पंजाब ग्रिल्स। यहाँ पे आपको छोले भटूरे, लाइक पंजाबी आइटम, सारा कुछ मिल जाएगा। एंड उसके साइड में था डोमिनोज़। तो ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा तो सबको पसंद है, आप यहाँ पे भी डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खा सकते हो। और उसके साइड में द गार्लिक, अभी नया ओपन हुआ है तो ये क्लोज था। तो द गार्लिक के सामने ही यहाँ पे था फ्रोज़िट। तो फ्रोज़िट में सारे फ्रोज़न आइटम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बर्गर, पैटिस, उसके साथ साथ आपको सारे नमकीन, कुकीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। और यहाँ पे था बर्गर किंग। तो आप अगर बर्गर वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ से अच्छा बर्गर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बर्गर किंग भी अवेलेबल है, सारे बच्चों का फर्स्ट चॉइस। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ज्ञानी का आइसक्रीम का स्टॉल। तो आइसक्रीम भी आप लोग यहाँ पे खा सकते हो। उसके साइड में था एलिफेंट करके एक जूस का शॉप, यहाँ पे जूस एंड स्मूदी वगैरह मिल रहा था। एंड उसके साइड में ही ड्रंकिन करके और एक स्मूदी का स्टॉल था, ड्रिंक्स वगैरह मिल रहा था। एंड उसके साइड में था टी जंक्शन, तो चाय कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखा कैंडी फ्लॉश, लाइक यहाँ पे सारे चॉकलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कॉटन कैंडी भी यहाँ पर मिलता है। और उसी के साइड में आपको दिखेगा जयपुरी माउथ फ्रेशनर्स। आप खाना खाने के बाद अगर कुछ फ्रेशनर्स लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे है और एक मतलब द सुगर कैंडी, लाइक द सुगर थ्रेड्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कटन कैंडी, उसका एक डिफरेंट सा स्टॉल यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे था टर्की स्टिक। तो यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम आपको खाने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो वगैरह भी ले सकते हो, जैसे कि इंस्टा का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं बता दूं कि डीएन रेगालिया का फूड कोर्ट जो है, ये आपको फर्स्ट फ्लोर में मिलेगा, और ग्राउंड फ्लोर था ये। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे फूड कोर्ट में, ये था ग्राउंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में ही आपको यहाँ पे फिश स्पा भी मिलेगा, अगर आप स्पा लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, अगर आपको कभी मन करे मेहंदी लगवाने के लिए तो डीएन रेगालिया एक ऑप्शन है आपके पास। और हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे, तो आपको ग्राउंड फ्लोर में ही ये सीसीडी का एक स्टॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीसीडी भी है, अगर आप वहाँ पे कॉफ़ी पीना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आप सबके पास अवेलेबल होगा।
तो जैसे कि मैंने बताया फ्रोजिड दिखाया था आपको, तो हमने ये सब देखने के बाद पहले हम लोग फ्रोजिड के पास ही गए और यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ के कुकीज़ और सारे स्नैक्स बिस्किट्स ये सब मिल रहे थे एंड बहुत वेराइटीज़ के यहाँ पे फ्रोजन फूड्स थे, जैसे कि फ्राइड राइस या फिर मटन या फिर चिली चिकन वगैरह, यहाँ पे सारे फ्रोजन्स मिल रहे थे। अगर आप को मन करे तो यहाँ से लेके आप तुरंत बना के खा सकते हो और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों फ्रोजन फूड्स मिल रहे थे। ये था फ्रोजिड का मेन्यू। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ का मेन्यूज़ थे, लाइक मफिन्स मिलते थे, बन, पफ, रोल्स, केक, पेस्ट्री, बर्गर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और यहाँ से हमने पेस्ट्री ऑर्डर किया था, हमें बहुत अच्छा पेस्ट्री मिला था। यहाँ पे आपको सैंडविचेस एंड पिज्ज़ा भी मिल जाएगा। तो हमने मंगवाया था ये रेनबो पेस्ट्री जो कि बहुत फ्रेश था एंड काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पे ये जो भैया है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और इसके साथ साथ आप देखिए कितने वैरायटीज़ के यहाँ पे केक्स एंड पेस्ट्रीज थे, लाइक ब्लैक फॉरेस्ट था, उसके साथ साथ आपको रेड वेलवेट और वाइट फॉरेस्ट, ये सारे पेस्ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे। तो हमारा रेनबो पेस्ट्री ऑलमोस्ट रेडी था एंड ये ओनली 55 रुपीज़ का था और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी टेस्टी एंड काफ़ी फ्रेश था ये। उसके बाद हमने बर्गर किंग से ऑर्डर किया था एक क्रिस्पी वेज वल्केनो और ये सारे टैक्स वैक्स मिला के हमें 70 रुपीज़ अराउंड आया था एंड ऊपर एक ऐसे ही क्रिस्पी कवरिंग था एंड उसके अंदर चीज़ था एंड मेयोनीज था एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लेटस लीफ मिल जाएगा और ऑनियन था और बाकी बस इतना ही था और काफ़ी टेस्ट अच्छा था इसका। आपको बैठने के लिए ऐसे अंदर भी जगह मिल जाएगा जिसमें प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह आप कर सकते हो एंड ये पूरा बैठने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा आपको डीएन रेगालिया फूड कोर्ट के अंदर। काफ़ी बड़ा स्पेस है तो आप अच्छे से बैठ के खा सकते हो। उसके बाद हम लोग वाओ चाइना में भी इसके मेन्यू को देखा था लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा मिल तो रहा था, लाइक मेन्यूज़ बहुत अच्छे थे लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली आएगा एंड चाइनीज़ खाने का कुछ मन भी नहीं था तो बस मेन्यूज़ ही देखा था हमने ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे सारे कुछ मेन्यूज़ अवेलेबल थे, चाइनीज़ आइटम आपको सब कुछ मिल जाएंगे, सिज़लर वगैरह, लेकिन थोड़े प्राइसी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कम्बो भी थे, अगर आप कम्बो खाना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद उसी के ही साइड में डोसा, इडलीज एंड मोर, एक साउथ इंडियन स्टॉल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मील्स वगैरह भी अवेलेबल था जैसे कि कर्ड राइस वगैरह लिखा है एंड उसके साथ साथ डेजर्ट्स मिल जाएगा एंड बहुत सारे कम्बो ऑफर्स यहाँ पे थे। अब अगर आप यहाँ पे कुछ लाइट सा, कुछ साउथ इंडियन हेल्दी सा कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। इसका नाम था वैंगो और ये था इसका मेन्यू। तो यहाँ पे मसाला डोसा, वड़ा, इडली, सांभर, चटनी ये सब आपको मिल जाएगा। हमने भी एक ऐसे कम्बो ऑफर ही ऑर्डर किया था। तो जैसे कि आपको मेन्यू में दिख रहा है यहाँ पे लेमन राइस भी मिल जाएगा, यहाँ पे रावा केसरी भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ उत्तपम वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे अंकल आंटी बहुत अच्छे से बैठ के अपने डोसा एंजॉय कर रहे थे और उसके साथ साथ यहाँ अंदर का नज़ारा देख के आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइए, अगर आप नहीं आए हो डीएन रेगालिया फूड कोर्ट तो एक बार आके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और उसके बाद केएफसी एंड पिज़्ज़ा हॉट मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको दिखाया था कि ये दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और हाँ, डीएन रेगालिया से अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो स्विगी एंड जोमेटो अवेलेबल है, आप लोग स्विगी एंड जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस आपको मिल जाएगा अच्छे से बैठ के खाने के लिए एंड बहुत अच्छा
बहुत अच्छा जगह है हैंग आउट करने के लिए। और डीएन रेगालिया में अभी बारबेक्यू नेशन भी ओपन हो गया है और ये 6th फ्लोर में है। अगर आप बारबेक्यू नेशन जाना चाहते हो आपके आसपास में तो डीएन रेगालिया एक अच्छा ऑप्शन है। वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर फ्रॉम बैंगो। हमारा ऑर्डर फाइनली आ गया और ये हमें 104 का पड़ा था। इसमें नारियल का चटनी था, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने हलवा दिया था और सांभर था और 3 इडली थे एंड उसके साथ साथ एक मसाला डोसा था। एंड डोसा में मसाला बहुत ही कम था एंड इडली वैसे 2 देते हैं, उसके बदले में उपमा देते हैं, लेकिन तभी उपमा ख़त्म हो गया था तो उन्होंने एक और इडली हमें एक्स्ट्रा दे दिया था। एंड अगर आप वड़ा लेना चाहते हो तो ये आपको 149 रुपीज़ का आ जाएगा, लेकिन हमने वड़ा नहीं लिया था तो हमें ये 104 आया। तो टेस्ट में काफ़ी अच्छा था लेकिन क्वान्टिटी वाइज डोसा में मसाला बहुत कम था एंड क्वान्टिटी तो आपको दिख ही रहा होगा। और आप लोग आके यहाँ से दूसरा चीज़ भी ट्राई कर सकते हो और ये आप ऊपर बैठ के बाहर का नज़ारा देख के खाना खा सकते हो। तो ये एक डीएन रेगालिया फूड कोर्ट का अच्छी चीज़ यही है, आप बाहर का व्यू देख सकते हो और उसके साथ साथ अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। तो खाना खाने के बाद हम लोग बाहर चले आए क्योंकि डीएन रेगालिया के बाहर पे ही आपको एक बहुत खूबसूरत सा जगह देखने के लिए मिलेगा। तो ये जगह क्या है, चलिए मेरे साथ चल के देखते हैं। तो जब आप एग्ज़िट करोगे डीएन रेगालिया के अंदर से आपको पूरा राइट साइड जाना है, नीचे नीचे ऐसे आपको दिखी जाएगा एंड बहुत खूबसूरत सा लाइटनिंग वगैरह आपको दिखेगा तो आपको वहीं पर ही जाना है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और इसका नाम था चाय बिस्कुट। तो डीएन रेगालिया का बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट अगर आप बोल सकते हो तो ये चाय बिस्कुट ही है। एंड यहाँ पे सारे यंगस्टर्स एंड दोज ऑफिस पीपल दे आर ऑलवेज कमिंग हियर फॉर हैंग आउट एंड फॉर चिल आउट विथ अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे आप लोग अगर डीएन रेगालिया आते हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे, और अपने चाय का मज़ा लीजिए और थोड़ा बातें कीजिए एंड एंजॉय करके जाइए। और बैठने के लिए आपको काफ़ी सुंदर सा जगह मिल जाएगा। अगर आप डीएन रेगालिया के पास किसी के फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे ही आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएंगे लोगों का एंड बहुत ही काफ़ी अच्छा सुंदर जगह है। तो चलिए चलते हैं इसके और क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको दिखाती हूँ और हम लोग क्या लेते हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्रापे मिल जाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएंगे, मिल्क शेक मिल जाएंगे और टी कॉफ़ी तो मिल ही जाएंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे सैंडविचेस मिल जाएंगे, मैगी मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे, नॉनवेज आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और उसके साथ साथ रैप बन रोल्स वगैरह भी मिलेंगे। और जहाँ पे मैं कॉफ़ी देखती हूँ वहाँ पे मैं रुक ही जाती हूँ, आई लव कॉफ़ी। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह भी मिल जाएंगे। और हमने ऑर्डर किया था मसाला चाय और इतना खाना खाने के बाद और तभी बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था तो चाय पीने का मन तो ज़रूर करेगा, तो मसाला चाय मैंने ऑर्डर किया था। एंड यहाँ पे आप मेनू देख सकते हो, मसाला चाय इज़ ओनली 20 रुपीज़ और बाकी चाय वगैरह के आइटम्स जो भी आप लोगे बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपको मिल जाएगा। तो हमारा चाय रेडी था और मैं बस अपनी चाय का मज़ा ले रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप नहीं आए हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए एंड फूड कोर्ट को एक्सप्लोर कीजिए और चाय बिस्किट भी आइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊँ। और फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।